की बार 400 के पार त्रीजी वक्त मोदी जी ने प्रधान सेवक बनावा देश ने जनता ने भाजप में उत्साह। भरूच लोकसभा बैठक माटे मध्य प्रदेश ना नायब मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल की अध्यक्षता में भाजप मध्यस्थ कार्यालय खाते चूंटणी बैठक नो दौर धमधम्यो हतो। देशनी जनता अने भाजप कार्यालयो वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी ने त्रीजी वखत प्रधान सेवक बनावा उत्सुक छे। अब की बात 400 ने पार साथे मोदी जीना नेतृत्व में नवो रेकॉर्ड बनशे। तेम भरूच लोकसभा बैठक ने चूंटणी मुलाकाते आवेला मध्य प्रदेश ना नायब मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ले विश्वास व्यक्त कर्यो हतो। भरूच लोकसभा मध्यस्थ कार्यालय खाते चूंटणी लक्षी बैठक पूर्वे तेवो रात्रे शहर अने जिल्लाना प्रबुद्ध अग्रणीय नागरिकों साथे अभय सिंह राठौड़ना निवासस्थाने मुलाकात करी चूंटणी लक्षी चर्चा परामर्श करी हती। आजे भरूच लोकसभा मध्यस्थ कार्यालय खाते एमपी ना डीसीएम साथे लोकसभा क्लस्टर प्रभारी अने पूर्व गृहमंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा पण उपस्थित रह्या हता। भरूच लोकसभा बैठक माटे तमाम पेज प्रमुखों साथे बैठक योजाया बाद लोकसभा कोर कमिटी ना प्रमुख सदस्यों साथे गहन परामर्श करवामां आवी हती। जे बाद लोकसभा चूंटणी संकलन समिति नी बैठक मां पण जरूरी माहिती मेळवा साथे चर्चा परामर्श करी मार्गदर्शन अपायुं हतुं। बैठकोना धमधमाटमां संगठन प्रभारी अशोक पटेल, लोकसभा संयोजक योगेश पटेल, भरूच जिला भाजप प्रमुख मारुति सिंह अटोदरिया, नर्मदा प्रमुख घनश्याम पटेल, धारासभ्यो अंकलेश्वरना ईश्वर सिंह पटेल, भरूचना रमेश मिस्त्री, जंबूसरना डीके स्वामी, झगड़ियाना रितेश वसावा, महामंत्री नीरल पटेल, तेमज विनोद पटेल, फतेहसंग गोहिल, जिला पंचायत प्रमुख महेंद्र वांसदिया, युवा प्रमुख सहित संगठनना होदेदारो अने अपेक्षितो जोड़ाया हता। रिपोर्ट बाय केतन मेहता, भरूच। कल सुबह से गुजरात राज्य के 3 लोकसभा क्षेत्रों में मेरा दौरा शुरू हुआ है। कल सुबह से ही छोटा उदयपुर लोकसभा में लोकसभा प्रबंध समिति की बैठक, कोर समिति की बैठक, युवा सम्मेलन, प्रमुख गणमान्य लोगों से मिलने का कार्यक्रम रहा है। कल सौभाग्य से कुबेश्वर महादेव के दर्शन करने का भी मुझे मौका मिला और आज सुबह से भरूच विधान जिले में पन्ना प्रमुखों की बैठक और उसके बाद अब भाजपा कार्यालय के जो लोकसभा का हमारा चुनाव कार्यालय है यहाँ पर आपसे मैं बातें कर रहा हूँ। यहाँ लोकसभा भरूच के लोकसभा प्रबंध समिति कोर समिति के प्रमुख सदस्यों के साथ बैठक होना है, इसके बाद अंकलेश्वर, फिर वडोदरा। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में लोकसभा चुनाव की तैयारी पूरे जोश खरोश के साथ शुरू कर चुकी है, क्योंकि ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना के भारत को विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचाने का जो महान सपना है उसको पूरा किया जाना है। इसलिए न सिर्फ मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में ऐतिहासिक काम हुए हैं, धारा 370 से लेके राम जन्मभूमि में भगवान राम के मंदिर के निर्माण, गरीबों के कल्याण की योजनाएँ, चौतरफा तेज विकास, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो रेल हो, चाहे वो हवाई अड्डे हो, उससे देश के लोगों में एक अलग तरह का उत्साह है और देश की जनता कमर कस के मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए इस चुनाव का इंतजार कर रही है। कार्यकर्ता भी कमर कस के मैदान पर तैयार है और इसलिए एक रिकॉर्ड बनेगा। 400 के पार सीटें लाकर मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाकर भारत को दुनिया के सामने दुनिया का नेतृत्व करने लायक देश बनाने का काम हम लोग करेंगे। प्रचार के दौरान हमें बहुत ही सहजता के साथ जनता के बीच में जाना है, क्योंकि मोदी जी की सरकार की योजनाओं ने कई प्रकार से लोगों को राहत दी है। गरीबों को मुफ्त में अनाज देने का काम किया, 10 लाख रुपए तक का इलाज गरीब बड़े से बड़े अस्पताल में जाके मुफ्त में करा सकता है। इस प्रकार से कई योजनाएँ, किसानों को सम्मान निधि देने का काम, और इसलिए लोग मोदी जी को पसंद करते हैं। मोदी जी लोगों के दिल और दिमाग में बैठे हुए हैं। हमें कार्यकर्ता के नाते बहुत ही विनम्रता के साथ हाथ जोड़ के उनके बीच में जाना है। अब मोदी जी का समर्थन करने के लिए उनसे कहना है।